ओम नमः शिवाय। स्वीप परिवार की रसोई में ये देखिए आपका टमाटो सूप बनकर तैयार हो गया। आप भी का जब टमाटो सूप खाने का मन करे या पीने का तो आप अपने घर में इस तरह बना सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें मैंने मन चौथाई मतलब एक टुकड़ा मैंने इसमें चुकंदर भी डाला था। चुकंदर में एक तो बहुत ज़्यादा क्या नाम है ताकत की चीज़ें होती हैं और साथ ही ये टमाटर में मैंने इसको डाल दिया तो इसका इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया। तो आपकी इच्छा हो तो आप इसमें टमाटो में चुकंदर डाल लें और अगर आपकी इच्छा ना हो तो ना डालें। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा टमाटो सूप बनकर तैयार है। इसमें काली मिर्च मैंने कुटी हुई डाली तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और आपको बिल्कुल ही बाजार जैसा चाहिए तो आप जो बाजार ब्रेड होती ब्रेड को फ्राई करके उसके टुकड़े डाल सकते हैं। वो भी क्या नाम है टमाटो सूप में बहुत पसंद करते हैं लोग, लेकिन मैंने प्लेन बनाया है तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये देखिए आप भी इस तरह शिव परिवार की रसोई में टमाटो सूप बनाइए। जाड़े के मौसम में टमाटर सस्ते रहते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। बाजार का लाया हुआ टमाटो सूप जो है उसमें कुछ ना कुछ दूसरी भी चीज़ें मिली रहती, लेकिन घर का बनाया साफ सुथरा रहे है। और आप सभी लोग अपने घर में सब लोग एक साथ मिलकर जो भी भोजन या कुछ भी खाना खाएं वो सारी फैमिली वाले एक साथ इकट्ठे होके खाएं तो आपके खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो आप भी हमारे इस तरह की टिप्स को आजमाएं और एक बार ये टमाटो सूप बनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव परिवार की रसोई में सभी का स्वागत है। शिव परिवार की रसोई में आज मैं लाई हूँ आपके लिए टमाटो सॉस बनाना। तो इसके लिए मैंने टमाटो लिए हैं 1.5 kg। ये मोटे दल के टमाटर थे जिसमें गूझा ज़्यादा था उसको, और जो लाल मतलब लाल टमाटर होते हैं लेकिन वो पिलपिले नहीं थोड़े गाढ़े गाढ़े से, वो टमाटर मैंने इसमें लिया। और इसमें लहसुन अदरक और प्याज तीनों चीज़ पड़ती है, लेकिन मैं अपने व्रत के अनुसार बना रही हूँ इसलिए मैंने लहसुन और क्या नाम है प्याज नहीं डाला। मैंने खाली इसमें अदरक डाला है और फ्रेश जो चिली बाजार में रेड ताज़ी मिर्च मिलती हैं उसको मैंने इसमें साथ में पीस लिया। ये 4-5 मैंने 100 ग्राम के अंदर लाल मिर्च मिक्सी में और टमाटो को उबाल लिया। उबालने के बाद मिक्सी से उससे छन्नी से छान कर और उसी के साथ मिर्च और अदरक ये तीनों चीज़ों को मैंने छान कर ये बिल्कुल एकदम प्यूरी जैसा देखिए टमाटो सॉस जैसा भी मैंने इसे तैयार नहीं किया और ना ही मैंने इसमें कोई कलर डाला। बाजार में होते कि कलरफुल और उस तरह का सॉस मिलता है, लेकिन ये देखिए अभी मैंने टमाटर खाली उबाला ही है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बढ़िया, और इसको उबाल के मैंने ये रख लिया। अब इसमें मैं क्या क्या सामग्री डालूंगी वो इस प्रकार है। चीनी देखिए मैंने आधी कटोरी ली है, ये व्हाइट विनेगर आधे कप से कम है, ये है मेरा गरम मसाला बनाया हुआ कूटा हुआ, इसको मैं गुनगुने पानी में डालूंगी और गुनगुने पानी में जब ये मसाले की पूरी खुशबू उसमें आ जाएगी तो मैं छन्नी से छान के ये पानी टमाटो सूप में टमाटो सॉस केचप में डाल दूंगी। ये टमाटो केचप में डाल दूंगी। ये देखिए ये मेरा व्हाइट नमक है और ये आधा चम्मच काला नमक है। अब इन सात चीज़ों को मैं एक साथ डाल के इसको इतना पकाऊंगी कि ये इसका जो ये गाढ़ी हो जाए, और गाढ़ी तब तक हो जाए कि जब मैं किसी प्लेट में इसको गिराऊं तो ये मतलब नीचे की तरफ गिरे ना। अभी जब मैं बना लूंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो आप भी जब अपने घर में टमाटो केचप बनाएं तो इन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बाजार से भी बेहतर टमाटो सॉस टमाटो केचप घर में ही मिल जाएगा। तो मैं तो अपने व्रत के अनुसार बना रही हूँ कि मैं व्रत में भी खा सकूं और वैसे भी खा सकूं, तो मैं टमाटो सॉस पे या टमाटो केचप पे लहसुन और प्याज मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं अपने में नहीं डाल रही। लेकिन अगर आप लोगों को लहसुन प्याज पसंद है तो आप अपने केचप में डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए अब मैंने इसमें ये टमाटो प्यूरी जो मैंने तैयार करी थी ये मैंने डाल दी। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा चलाती रहूंगी। ये देखिए अब इसमें मैं नमक डालूंगी। ये मैंने इस पे नमक डाल दिया। अब नमक डालने के बाद भी मैं इसको
थोड़ा थोड़ा पकाती रहूंगी। इसमें मैंने चीनी डाल दी है और ये मेरा कुटा गरम मसाला है। इसमें काली मिर्च है, लौंग है और दालचीनी है और जीरा है और एक चक्र फूल है और एक हरी इलायची है। तो इसको मैंने दरदरा करके कूटा है। इसको मैंने इसका पानी बना लिया और इसमें अपने टोमेटो केचप में इसको डाल दिया। तो आप भी अगर बनाएं तो इस तरह बनाएं, नहीं तो आप एक पोटली बनाकर भी जब टमाटर आप उबालते समय उस समय आप इसमें पोटली बना के डाल दें। और जब टमाटर आप उबालें तो आधे कप से भी, चौथाई कप से भी कम पानी उस पर डालें कि बिल्कुल पानी कम रहे, जिससे कि आपका टमाटो सॉस बहुत देर तक आपको पकाना ना पड़े। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको टमाटो सॉस को जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगी उतनी ही देर तक आपको इसको गाढ़ा करने के लिए पकाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब मैं लास्ट में वाइट विनेगर, ये जो मैं है पूरा डाल दे रही हूँ इसमें। पहले मैंने थोड़ा डाला, फिर मुझे लगा कि कम है तो मैंने और डाल दिया। ये आपके टोमेटो सॉस को ख़राब होने से बचाएगा। जब भी आप टोमेटो सॉस बनाएं तो इसमें वाइट विनेगर जिस जो क्वांटिटी हो उसी के अनुसार, मेरा 1.5 kg था तो मैंने एक कप से आधा कप मैंने लिया। अगर आपका उससे ज़्यादा हो तो आप उससे दुगना कर सकते हो, अगर कम हो तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ लोग होते हैं टमाटो सॉस को गाढ़ा करने के लिए, टमाटो केचप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर या अरारोट मिला देते हैं, लेकिन मैं अपने टमाटो सॉस में और टमाटो केचप में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। और इसमें मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार, अगर ज़्यादा आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप ज़्यादा मिर्च इसमें डाल सकते हो। अगर आप कम, मतलब जैसे जितनी मैंने बताई है उतनी खाना चाहते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जितनी आपकी इच्छा हो उसी के अनुसार आप इसमें मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको 5 मिनट तक इसी तरह पकाते रहें। ये देखिए, हमारा टमाटो केचप बन के तैयार हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया। और इसमें जो मैंने कुटे गरम मसाले का पानी जो डाला है और उसको, तो इसमें बहुत अच्छी गरम मसाले की खूब अच्छी खुशबू भी आ रही। तो आप भी अपने घर में इस तरह का टमाटो केचप बना सकते हैं। हाँ, मैंने ये व्रत के लिए बनाया है। और अगर आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर, क्या नाम है, पानी में घोल के, थोड़े से पानी में घोल के आप डाल दीजिए। तो उससे जो आपका ये है ये और थिक हो जाएगा। अभी तो ये चूंकि गर्म है इसलिए ये थोड़ा सा पतला सा दिख रहा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मैंने ये व्रत के लिए बनाया है, व्रत वाला टमाटो केचप, तो इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डाला। ये देखिए कितना बढ़िया घर का साफ सुथरा और अच्छा टमाटो केचप बन के तैयार है। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई कलर नहीं, और हर तरीके से ये आपके लिए फ़ायदेमंद। और बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है। अभी तो सर्दियों के मौसम में टमाटर बहुत सस्ते हैं, तो आप ऐसे टमाटर खरीद के बाज़ार से ला के अपने घर में टमाटो केचप बना के खुद बच्चों को भी खूब खिलाएं पकौड़ी पराठों के साथ, क्योंकि इसमें मैंने कोई ऐसी ज़्यादा उस तरह की चीज़ें नहीं डाली जो बच्चों को नुकसान दे। हैं, तो ये देखिए शिव परिवार की रसोई में टमाटो केचप बन के तैयार है। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों के सहयोग से ही मेरा चैनल चल रहा है। आप लोगों का सपोर्ट, सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि शिव परिवार की रसोई को बहुत आगे तक आप सभी को बढ़ाना है, इसलिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखिए, और अच्छी से अच्छी डिशेस आपके लिए मैं लाती रहूँगी। ये देखिए, ओम नमः शिवाय।